तो फाइनली दोस्तों उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 26 अक्टूबर को यानी कि आज यहाँ पर एक नया लगभग लगभग आपके 154 करीबन पोस्ट थे उसका यहाँ पर रिजल्ट हो चुका है जारी, जिसमें आप लोग जो है अपना परिणाम देख सकते हैं। टोटल इसमें 154 पोस्ट है, जिसमें यहाँ पर राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 के लिए वास्तविक प्रकार की परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके लिए यहाँ पर बताया गया कि 4 अप्रैल 2023 तरह निरस्त कर गया था उसको पुनः लिखित परीक्षा वास्तविक प्रकार का 13 से 18 अगस्त 2023 में फिर से कराया गया था, री एग्जाम कराया गया था, उसका परीक्षा परिणाम घोषित कर देगा। बहुत सारी पोस्ट थी इसमें, इसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं सहायक अभियंता जैसे सिविल है, ग्रामीण निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सेवा विभाग, अन्य पदों के लिए है। इसमें टोटल यहाँ पर 450 कैंडिडेट पास हुए हैं। जैसे यहाँ पर सहायक अभियंता पर यांत्रिक के लिए है 44 लोग पास हुए हैं। ऐसे यहाँ पर ऊर्जा विभाग में 10 लोग कैंडिडेट पास हो रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर लोक निर्माण विभाग में 10 हैं, 25 यहाँ पर सहायक कृषि वाले में भी हैं। ठीक है, टोटल इस तरह का रखा गया है। और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं रीट संख्या जो यहाँ पर देख सकते हैं क्रम 1 2 3 4 5 6 6 ऐसे रीट लगाए हैं, जिसमें यहाँ पर कोर्ट में पारित होने के बाद अंतिम जो निर्णय है वो घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। जो 6 लोगों ने रिट दायर कर रखी है वो भी रिजल्ट बाद में आएगा, और फाइनली जो है 154 पदों का जो भर्ती था उसका रिजल्ट आ चुका है, जो री एग्जामिनेशन कर दिया गया था आपका। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर पूरी पूरी जानकारी यहाँ पर दे चुकी है। और जो भी सफल कैंडिडेट हैं इसमें उसमें बताया गया कि 7 नवंबर को यहाँ पर सफल अभ्यर्थियों के लिए जो भी सफल होंगे उन सभी का यहाँ पर अभिलेख सत्यापन देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है अभिलेख सत्यापन 7 नवंबर 2023 को कराया जाएगा, प्रस्ताव रखा गया है जो भी यहाँ पर हो पास कैंडिडेट। ठीक है, तो ये एक अपडेट जारी कर रखा है आयोग के द्वारा, रिजल्ट हो चुका है।